तो आ गया तुम्हारा भाई एक और वीडियो के साथ। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है कि हम अपनी गर्लफ्रेंड को फ्लर्ट कैसे कर सकते हैं, उसको और ज़्यादा इम्प्रेस कैसे कर सकते हैं ताकि उसको हमसे बहुत ज़्यादा लगाव हो जाए और वो हमसे बात किए बिना एक दिन या एक पल भी ना रह पाए। तो आज की ट्रिक बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाला है, वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है तुम्हें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैसेज की शुरुआत हमारी यहाँ से होती है, जब मैंने इसको कहा हाय बाबू और ये हार्ट वाला इमोजी सेंड किया तो इसने कहा हेलो। मैंने कहा क्या कर रही हो, तो इसने कहा कुछ नहीं, आपके मैसेज का वेट कर रही थी, और मुस्कुराने लगी। मैंने कहा ओह नाश्ता किया तुमने, तो इसने कहा हाँ जी आपने किया। मैंने कहा हाँ चलो आज मिलते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने किस तरह से इसको फ्लर्टिंग करना शुरू किया। तो यहाँ पर जब मैंने इससे कहा चलो आज मिलते हैं और रोमांटिक मूड में कहा, तो इसने कहा नहीं मुझे डर लगता है। तो मैंने कहा डर किस बात का, तो इसने कहा तुमने कुछ किया तो। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं करूँगा सिर्फ मिलूँगा, तो इसने कहा क्या करोगे मिलकर। मैंने कहा सिर्फ बातें करूँगा, तुमको सामने बैठा कर तुम्हें देखता रहूँगा बस। तो इसने कहा क्या मिलेगा मुझे देखकर। मैंने कहा तुम्हें देखकर मुझे सुकून मिलता है, और ये वाला इमोजी सेंड किया। देखो अगर तुम उससे रोमांटिक चैट कर रहे हो ना तो ये वाला इमोजी ज़रूर सेंड करना है। तो इसने कहा नहीं मुझे पता है मैं तुमसे मिलूँगी, तुम कोई ना कोई हरकत ज़रूर करोगे, और ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा नहीं सिर्फ हाथ पकड़ूंगा तुम्हारा और कुछ नहीं, और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो ये शर्मा कर कहने लगी लेकिन मुझे शर्म आती है। तो मैंने कहा मैं कौन सा खानदानी छिचोरा हूँ, तो ये कहकर मैंने ये वाला इमोजी सेंड किया। तो ये हंसने लगी, इसने कहा नहीं पागल मेरा वो मतलब नहीं है। तो मैंने ये इमोजी सेंड किया, मैंने कहा छोड़ो मत मिलो। तो इसने कहा अरे अच्छा ठीक है कब मिलना है। मैंने कहा नहीं अब नहीं मिलना, तो इसने कहा ओके मैं तुम्हारे घर ही आ जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं हंस के कहने लगा, मैंने कहा कितनी हिम्मत है। तो कहने लगी क्यों हल्के में ले रहे हो मुझे, मेरी ससुराल है कभी भी आ सकती हूँ, और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो देखो यहाँ पर ऐसा नहीं कि लड़के ही फ्लर्ट करना चाहते हैं, लड़कियों को भी मज़ा आता है रोमांटिक चैट करने में अगर तुमसे वो सच्चा प्यार करती है तो। मैं हंसकर कहने लगा हाथ पकड़ने में तो शर्म लग रही है, घर आने की बात कर रही है। तो यहाँ पर ये वाला इमोजी सेंड किया, कहने लगी इंसल्ट करना ज़रूरी है, कभी तो मेरी बातें चलने दिया करो। तो मैं हंसकर कहने लगा मुझे बड़ा सुकून मिलता है तुम्हें परेशान करके। तो यहाँ पर इसने ये वाला इमोजी सेंड किया, कहने लगी मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। तो मैंने रोमांटिक होकर कहा कलाई मुड़ जाएगी मेरी जान। तो यहाँ पर इसने ये वाला इमोजी सेंड किया, कहने लगी उफ हर बात में पॉइंट ढूंढ लेते हो। तो यहाँ मैं हंसने लगा, मैंने कहा इतनी प्यारी डार्लिंग जो मिली है मुझे। तो यहाँ पर इसने ये वाला इमोजी सेंड किया, कहने लगी बस रहने दो। तो यहाँ पर मेरी इससे इतनी चैट हुई थी, मुझे कॉल आ गई थी और फिर ज़रूरी काम आ गया था इसलिए मैं चला गया था। तो यहाँ पर मैं जानता हूँ वीडियो बहुत छोटी है लेकिन जितनी चैटिंग हुई मैंने उतनी रिकॉर्ड कर दी। तो बताओ कैसी वीडियो लगी, अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, अच्छी लगी वो चैट तो नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिखना कमेंट में, ठीक है। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बना दूंगा और इससे भी बेहतर रोमांटिक चैट बनाऊंगा, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।